हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी मैथ 100%। आज पढ़ा दस श्रेणी मैथ मॉडर्न एबीसी टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सेट थ्री हाफली एग्जामिनेशन 2024-25। ओके, नंबर फोर बी देख। 32 मीटर व्यास विशिष्ट वृत्त। 32 मीटर व्यास व्यासार्ध के 16 मीटर वृत्ताकार बगीचा मध्य वृत्त भितर तहार सीमा को लगे रास्तार क्षेत्रफल एटा रास्तार क्षेत्रफल है कि 352 वर्ग मीटर है रास्तार प्रस्त के रास्तार प्रस्त बाहर कर देख इला केन्द्र ये षोह मीटर कारण व्यास 32 मीटर यहाँ स्मल आर। प्रश्न कहे रास्तार क्षेत्रफल रास्तार क्षेत्रफल 352 वर्ग मीटर रास्तार प्रस्त के आम दरकार आर माइनस आर कौन टे आर माइनस आर आर माइनस आर आर माइनस आर आर माइनस आर केम दरकार आर माइनस आर के देख तलर क्षेत्रफल सूत्र पकईद आंसर पाए होल इंटु आर स्क्वायर माइनस आर बलर क्षेत्रफल इक्वल 352 वर्ग मीटर 352 वर्ग मीटर 22/7 ए बड़ आर रूल है 16 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 352 स्क्वायर स्क्वायर के 256 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 352 गुणन 22/7 कौन हम 7/22 7/22 22 × 22 = 32 256 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 × 16 = 112 256 माइनस 112 इक्वल आर स्क्वायर फिर देखे के 144 इक्वल आर स्क्वायर आर इक्वल टू 144 वर्गमूल इक्वल टू 12 मीटर आमर प्रश्न हम कौन टे रास्तार प्रश्न अर्थ आर माइनस आर षोह स्मल आर है 12 = 4 मीटर है रास्तार प्रस्त है 4 मीटर आंसर आस 4 मीटर नेक्स्ट नंबर फोर बी और फंपा धातव गोलक देख फंपा धातव गोलक फंपा धातव गोलक आर देला 300 स्मॉल आर देला 3 बड़ आर है कते 6 बड़ आर है 6 स्मॉल आर है 300 है अंतर व्यासार्ध 3 सेमी बड़ व्यासार्ध बहिर्व्यासार्ध 6 सेमी 6 सेमी हेल्ले प्रति घन सेमी धातुर वस्तुत्व घन सेमी देखिए घन सेमी दे आयतन बाहर प्रति घन सेमी बोले एक घन सेमी धातुर वस्तुत्व मान ओजन एक घन सेमी ओजन हूँ कैसे 8 ग्राम हेल्ले तार वस्तुत्व टोटाल तार ओजन के आयतन बाहर देख ताल आमर बाहर आयतन कौन डे फंपा गोलकर आयतन 4/3 पाए होल इंटु आर क्यू माइनस आर क्यू है बुझेगा फंपा धातव गोलकर आयतन है 4/3 पाए होल इंटु आर क्यू माइनस आर क्यू एतिक है तार कौन डे वस्तुत्व एतिक है वस्तुत्व एक घन सेमी की कते 8 ग्राम एतिक घन सेमी कते ग्राम हम गुणन आठ आपको समाधान कले जी हम तार वस्तुत्व से हम देख तेल 4/3 गुणन 22/7 आर है बड़ आर है कैसे 6 × 6 = 3 माइनस 3 × 3 गुणन 8 4/3 गुणन 22/7 6 × 3 के 216 3 × 3 = 27 गुणन 8 4/3 इंटु 22/7 इंटु 216 माइनस 27 के 16 7 गले 9 16 7 गले 9
ଏକ ପଳେଇଲା ଦଶ, ଦଶ ଦେଇଗଲା 189, 189 ଗୁଣନ 8। କ୍ଲିଅର? ଦେଖ 321, 21 ନୂଆ 199 ହେଲା, 321, 21 ନୂଆ 199 ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, 2288, 8972, 2288, 8 ଗୁଣନ 8 ନୂଆ 72, 63, 36, 63, 36 ଗ୍ରାମ ଗୁଣିଦେଲେ ହେବ 63, 36 ଗ୍ରାମ। ଏଇଟା 8 ଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଏ 8ଟା କ'ଣ ଥିଲା, 8 ଗ୍ରାମ ଥିଲା, 8 ଗ୍ରାମ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଗ୍ରାମ। ତେଣୁକରି ଓଜନଟା କ'ଣ ବାହାରିବ, 8 ଗ୍ରାମ ବାହାରିବ। ତାହେଲେ 8 ଗ୍ରାମ ହେଲେ 63, 36 ଗ୍ରାମ ହେବ। ତାହାର ବସ୍ତୁତା କେତେ ହବ, 63, 6336 ଗ୍ରାମ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5A, ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର, ଦେଖ ସେକ୍ 61 ପ୍ଲସ୍ କସ୍ କୋସେକ୍ 120, କୋସେକ୍ 120 2/√3, ବିଭକ୍ତ √3, କୋସେକ୍ 29 ହେବ କେତେ, ସେକ୍ 61, ସେକ୍ 61, କୋସେକ୍ 29 ହେଲା ସେକ୍ 61 ପ୍ଲସ୍ 2, ଦେନ୍ ମିଶେଇ ଦେବା, ଏଇଟା ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିବ, ଲସ୍କୁ ଆସିବ √3, √3 କି ସେକ୍ରେ ଗୁଣିବା, √3 ସେକ୍ 61, ସେକ୍ 61 ପ୍ଲସ୍ √3, √3 ହେଲେ 1, 1 ଦୁଗୁଣେ 2, 1 ଦୁଗୁଣେ 2 ବାଇ √3 ସେକ୍ 61 ପ୍ଲସ୍ 2, ଦେନ୍ √3 ସେକ୍ 61 ପ୍ଲସ୍ 2 ବାଇ √3, ଏଇଟା ହରଣ ଅଛି, ଏଇଟା ହରଣ ଗୁଣନ ହେଇକି ଓଲଟେଇ ଯିବ, 1 ବିଭକ୍ତ √3 ସେକ୍ 61 ପ୍ଲସ୍ 2, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଲା 1/√3, ଆନ୍ସର ଆସିବ 1/√3। ନେକ୍ସଟ 5A ଅର୍ 10√3 sin 62/cos 28 ମାଇନସ ସେକ୍ 42 ବାଇ କୋସେକ୍ 48 ଇକ୍ୱାଲ୍ 2। ତାହେଲେ LHS ଇକ୍ୱାଲ୍ RHS ପ୍ରୁଫ କରିବା ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଲେଖିଦେବା LHS, କ'ଣ ଲେଖିବା LHS, LHS RHS 2 ବୋଲି ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଦେଖ 3 sin 62, 62 28 କେତେ ହେଲା, 90 ହେଲା, ତାହେଲେ କସ୍ 28ଟା କେତେ ହେବ, ସାଇନ୍ 62 ମାଇନସ 42 48 କେତେ ହେଲା, 90 ହେଲା, ତାହେଲେ ସେକ୍ 42 ବାଇ କୋସେକ୍ 48 କେତେ ହେବ, ସେକ୍ 42। କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ 3 sin θିଟା ବାଇ କସ୍ ଥିଟା କେତେ ହେଲା, 3 × 1 ମାଇନସ ସେକ୍ 42 ବାଇ ସେକ୍ 42 କେତେ, 1, 3 − 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ RHS। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 5B, ବୁଝ ଏ ବିଷୟରେ ବି 90 ° ଏସି 7 সেমি, ବିଡି ଲମ୍ବ ଏସି, ବିଡି ହେଲା 3 সেমি, ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କର। ପ୍ରଥମ କଥା ଭୂମି ହେଲା ଏସି 7 সেমি ନେଇଯିବା, ଏସି 7 সেমি, ଏସି ଏସି 7 সেমি, ହେଲେ ଭୂମିରେ କୋଣ କେତେ ହବ, 90 ° ମାଇନସ ଥିଟା, ଥିଟାଟା କେତେ, 90 ° ଅଛି, ତେଣୁକରି 90 ହେଲେ 0, ଆଉ କୋଣ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କ'ଣ ଏସି କି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଖଣ୍ଡ, ଏସି କି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଖଣ୍ଡ, କମ୍ପାସନ ଅଧର ଅଧିକ ନବ, ଏସି କି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଖଣ୍ଡ କରିବ, ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଖଣ୍ଡ କମ୍ପାସ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା, ହେଲେ କମ୍ପାସନ ଏଇଠି, ପେନସିଲ ଏଇଠି ରହିଛି, ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ହେଇଯିବ, ବୃତ୍ତ ହେଲା। ବିଡି ଲମ୍ବ ଏସି, ବିଡି ବିଡି ଲମ୍ବ ଏସି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ 3 সেমি କାଟିବ, କେତେ ସେମି, 3 সেমি, ବୁଝିହେଲା, କୋଉଠୁ, ଏ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଏ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରୁ କେତେ କାଟିବ, 3 সেমি କାଟିବ, ଏଇଠି 90 ° ହବ, କେତେ ଏଇଠି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ 90 ° 60, 120, 90 ସମାନ ହେଲା, ଏଇଠି 90 ° ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା ଏଇଟା ହବ ବି, ବିରୁ ଏ, ବିରୁ ଏ ସି ଟାଣିଲା, ଏ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ, ଏ 90 ° ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ
एक्स वाई, एक्स वाई समांतर कौन एसी हम एसी हेले दूरता के तीन सेमी तेणुक ए बी सी त्रिभुज उच्चता तीन सेमी हम ए बी सी उच्च ए बी सी त्रिभुज उच्चता तीन सेमी हम कारण ये डिस्टास्टा हूँ कैसे दूरता ए तीन सेमी एटा समांतर हो समांतर हेले कौन हम समांतर हेले ए बी सी त्रिभुज उच्चता तीन सेमी हम बी डी उच्चता बी रु डी जब उच्चता अंकन करवा कौन हम तीन सेमी हम नेक्स्ट फाइव बी एबीसीडी सामांतर चित्र अंकन कर जहाँ एबी 5.5 सेंटीमीटर कर्ण बीडी 8 सेंटीमीटर डीएससी 60 डिग्री देख सामांतरिक चित्र सामांतरिक चित्र सामांतरिक चित्र सामांतरिक चित्र ए बी सी डी एक सामांतरिक चित्र एबीसीडी सामांतर एबी देला 5.5 यदि एबी है 5.5 डीसी हम 5.5 बीडी कर्ण बीडी कर्ण के 8 सेंटीमीटर बीडी कौन डीएससी डीएससी है 60 डिग्री 60 डिग्री बुझेगा देख ताल प्रथम आम कौन करवा डीसी नवा के 5.5 डीसी 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 नवा 5.5 5.5 सम्बन्धी खंड करवा सम्बन्धी खंड करवा 60 डिग्री देती ताले 8 कंपास में 30 डिग्री अंकन करते 30 डिग्री 30 डिग्री अंकन करवा के 30 डिग्री अंकन करवा हला एटा इ ना दबा इसी के सम्बन्धी खंड करवा इसी के कौन करवा इसी इसी के सम्बन्धी खंड करवा इसी के सम्बन्धी खंड कंपास ने एठ रखिया कंपास ने एठ पेंसिल वृत्त करवा बुझेला ना बुझेला हला देन ताले एटा जे ओ ना दबा कर्ण द्वय परस्पर को सम्बन्धी खंड कर सामांतरिक चित्र कर्ण द्वय परस्पर को सम्बन्धी खंड कर ताले ये चार हेबो ये भी चार हेबो ताले कंपास ने एठ चार काटिया केते काटिया चार चार्ज कंपास ओ ना दे दबा डी ओ को स्केल सीधा पकई के बढ़े दबा सीधा अंकन कर दबा सी ओ को स्केल पकई ऊपर को टाइम दबा बुझी पारल कंपास उन रखी के बी डी दे 8 कंपास के 8 काट दबा केते 8 एरे टाइम दबा सरला देन सी ओ जति की कंपास उन सी रखे पेंसिल ओ रखे सी ओ जति की ओ रखे ओ सेते सी ओ समान ओ ओ सीओ समान ओ ए सी सी कंपास में पेंसिल ओ रखे जैसे गला ओ रे कंपास में रखेगी से ए काटी दबा ए ना दे दबा ए को रबी ए को बी टाइम ए को डी टाइम हला ए बी सी डी एक सामांतरिक चित्र बुझेला सेट 3 सरला नेक्स्ट क्लास सेट 4 आरंभ ओके थैंक्स।